मौर्य। और आज खड़े हैं हम लोग डी रिसॉर्ट में, डी रिसॉर्ट सिंगापुर। आज आपको मिलवाऊंगा मैं ग्रीन प्लैनेट में एक हिस्ट्री क्रिएट करने वाले सर हैं, उनसे मैं मिलवाऊंगा और वो अपने बारे में खुद ही बताएंगे, कुछ बात करेंगे और एक शानदार मैसेज। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। थोड़ा सा अपना नाम बताएंगे। गुड मॉर्निंग, मायसेल्फ राजेश बुबने फ्रॉम महाराष्ट्र। और लास्ट 10 ईयर से हम इस बिजनेस में हैं, इस मिशन में। और 10 साल पहले जब आपने इसकी शुरुआत की, तब लाइफ कैसी थी और आज लाइफ कैसी? बिल्कुल 360 डिग्री चेंज हो चुकी है। जैसे कि हम कहते हैं 10 साल पहले हम बिल्कुल जीरो थे और एक कंपनी के साथ आज हम हीरो हैं। तो ये जीरो से हीरो का सफर सिर्फ हमारा नहीं है, आपका भी हो सकता है, सबका हो सकता है। बस शर्त एक है, आपको बगैर कंजूसी किए इस काम को लगातार करते रहना है कई सालों तक, तब तक जब तक आपको आपका डेस्टिनेशन नहीं मिलता। बहुत सारे नौजवान जो 10-20-25 हजार की नौकरी पा करके जॉब करते हैं और उनकी दुनिया उसी में गुम है, वो उसी में है और रोज सेक्रीफाइस कर रहे हैं छोटे छोटे नीड्स, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली गलती उनकी नहीं है, गलती हमारी है। एज ए लीडर हमने इस कंपनी के मिशन को देखा है और साथ में इस कंपनी के साथ जुड़ के हम कहाँ से कहाँ तक जा सकते हैं ये हमने देखा है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि उन लोगों को, जो लोग आपने कहा ना 20-25-40 हज़ार पे कमाई कर रहे हैं, अब उन लोगों को ये विजन जब तक हम नहीं दिखाते कि आप 25 हज़ार से 2.5 लाख तक आ सकते हो, तब तक उनमें वो सपना नहीं जगेगा। एक्चुअली दे आर लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटी, उनको भी चाहिए 2 लाख 2.5 लाख 5 लाख, किसको नहीं चाहिए, सबको चाहिए। लेकिन उनको ये पता नहीं है कि ग्रीन प्लैनेट में वो अपॉर्चुनिटी है उनके लिए कि विदाउट डिस्टर्बिंग और प्रेजेंट ऑक्यूपेशन और जॉब, साइड बाय साइड अगर आप 5 साल बिजनेस करते हो तो आपकी लाइफ स्टाइल अलग हो सकती है। बस शर्त एक है, अगर महीने के 2 लाख 5 लाख कमाने हैं तो थोड़ा पागल तो बनना पड़ेगा। तो इस मिशन के पीछे पागल बनना बहुत जरूरी है। एक पागल आपके साथ है, आपने पागल शब्द का प्रयोग किया, बहुत ही अच्छा लगा। 10 साल पहले आपने कहा आप जीरो थे, आज हीरो हैं। थोड़ा सा आज की लाइफ के बारे में थोड़ा सा बताइएगा, कैसी लाइफ चल रही है आज, कैसे जी रहे हैं आप? आज की लाइफ हमारे बेटर हाफ के साथ हम आज सिंगापुर में है, वी आर एंजॉइंग द वर्ल्ड टूर। और जैसे मैंने कहा कि बिल्कुल 360 डिग्री चेंज हो चुके हैं, हम साल में एक बार भी चाहकर भी कहीं घूमने नहीं जा सकते थे, आज विद फैमिली हम साल में कम से कम 3-4 बार तो फॉरेन टूर कर ही लेते हैं। हमारे मित्र अलग थे, आज आपके जैसे अच्छे दोस्त मिल गए, बहुत टीम बहुत बड़ी बन गई। और ये ऑल बिकॉज ऑफ आवर टीम, आवर मिशन, आवर कंपनी, फैमिली और डायरेक्टर्स। मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ, ये पिछले जन्म का पुण्य है कि मुझे इस जन्म में ग्रीन प्लैनेट जैसी कंपनी मिल गई। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि मेहनत मैं पहले भी करता था, आज भी कर रहा हूँ, ड्यू टू ग्रीन प्लैनेट अपॉर्चुनिटी वी आर हियर। कुछ बहुत सारे सज्जन हैं जो इस वीडियो को देखेंगे तो उन्हें ये लगता है कि राजेश जी 10 साल पहले इसलिए ये पैसा बना गए, हम नहीं बना सकते, उनके लिए क्या कहना? ऐसा है कि सिर्फ समय ज़्यादा लगने से या पहले जुड़ने से अगर बिजनेस में आप करोड़पति हो सकते थे तो 10 साल पहले मैं अकेले नहीं जुड़ा। ओके, जिस साल जिस महीने में मैं जुड़ा मेरे साथ लगभग 6,000 लोग थे। ओके, तो उन 6,000 लोग भी तो 10 साल पहले जुड़े थे, लेकिन वो आज नहीं, आज नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर करने वाले काम आप करोगे तो जरूर आप बहुत ऊंचाई पे जाओगे, ये मायने नहीं रखता कि आप कब ज्वाइन किए हो। हमारे साथ ऐसे ऐसे कुछ मित्र है जो पिछले 2-3 साल पहले ज्वाइन हो चुके, और 3 साल पहले ज्वाइन होने के बावजूद आज उनका इनकम उन लोगों से 10 गुना है जो 10 साल पहले जुड़े थे। वाह, मतलब कब जुड़े हो ये कोई मायने नहीं रखता। इट्स योर बर्निंग डिजायर कि आप कितना जल्दी अपने डेस्टिनेशन को या टारगेट को कंप्लीट करना चाहते हैं। हमारे साथ भाभी जी भी हैं, आपको बताऊं सर, आज ग्रीन प्लांट बायो प्रोडक्ट से 1 साल में लगभग 1.5 करोड़ रुपये से ऊपर की इनकम करते हैं। दो मर्सिडीज और BMW है आपके पास, करोड़ों की गाड़ियों में घूमते हैं और इनकी विलेज की जो कंडीशन है वो ये है कि जस्ट लाइक ए सेलिब्रिटी। मैं रंग तो नहीं बोल रहा हूँ। तो आज इनका मैंने समय लिया आप लोगों से मिलवाने के लिए। हमारे साथ भाभी जी भी हैं, नमस्कार भाभी जी। मैं ये चाहता हूँ कि 10 साल पहले आप लोग
हस्बैंड वाइफ थे, 10 साल पहले बहुत आपने सेक्रीफाइस किया, आज करोड़ों की गाड़ी में घूमती हैं, करोड़ों रुपये कमा रहे हैं सर, और मैंने सोचा सुना है कि सर बहुत जल्दी इन फ्यूचर हेलीकॉप्टर लेने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपको कैसा लग रहा है और आप लेडीज के लिए, औरतों के लिए क्या स्कोप है, थोड़ा सा तेज आवाज में बोलिएगा ताकि सुनाए। सब लेडीज डेली काम करना, बस प्रोडक्ट भरपूर है बच्चों के लिए, हेल्थ के लिए, सब लेडीज के बताना कि ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, ये यूज़ करके देखो तुम, ये से बोलना। मेरा सपना था, नहीं सोचा मैं मुझे सिंगापुर से आए, आज मेरा सपना पूरा हो गया ग्रीन प्लैनेट से। प्रोडक्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है संदेश है मैडम का। अच्छा एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा आपसे, बहुत सारे CA बैंकर चार्टेड अकाउंट बहुत सारे लोग जब इस वीडियो को देखते हैं तो उनका ये मानना रहता है यार ग्रीन प्लैनेट तो खेती बाड़ी कंपनी है और मैंने खेती बाड़ी की नहीं तो मैं कैसे कर सकता हूँ, वो कैसे कर सकते हैं जिन्होंने कभी खेती बाड़ी नहीं। बिल्कुल ऐसा है कि हमारे टीम में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका डायरेक्ट खेती के साथ कोई कनेक्शन नहीं था, मतलब उनकी कोई खेती नहीं थी, लेकिन जब उनको पता चला कि भले हमारी खेती नहीं है लेकिन हम खा तो सब खेती से ही रहे, तो अगर एक किसान जहर देगा तो हमारे पेट में जहर जाएगा, अगर किसान अच्छा फ्रूट हो जाएगा तो हमारे खाने में वो सब न्यूट्रिशंस आएंगे, वो जहर नहीं आएगा। तो इट्स अ मिशन, ये सेलिंग का बिजनेस नहीं है, हमने यहाँ पे बॉटल बेचने के सेल्समैन नहीं बना रहे, वी आर इन द मिशन टू एजुकेट फार्मर्स क्या करना है क्या नहीं करना है, इसके ऊपर अगर हम फोकस करेंगे तो इस बात का जब बारिश भी हो गई, अरे वाह वाह क्या बारिश, ऐसे एक पूरा लुक ले लीजिए सर, इतने बड़े रिसोर्ट में आज हम यहाँ पे सर। लास्ट में बस एक लास्ट एक मैसेज दीजिए पूरे भारत में करोड़ों बेरोजगार उनके लिए एक मैसेज, अगर आप अपने फैमिली लेके पहले करोड़पति होना चाहते हो है ना, तो बस एक लास्ट मैसेज, अगर आप अपने फैमिली लेके पहले करोड़पति होना चाहते हो तो कम एंड ज्वाइन अस, ग्रीन प्लैनेट इज द ओनली अपॉर्चुनिटी ऑन प्लैनेट आई थिंक इन इंडिया जो आपको अपने फैमिली का पहला करोड़पति कर सकती है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। मित्रों यदि आप जुड़ना चाहते हैं ग्रीन प्लैनेट बायो प्रोडक्ट से 9236114711 पे फोन करिए, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और अगला नंबर आपका हो सकता है, और अगली बार जब आप आएंगे तो हम सबके साथ बैठ करके डिनर करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू भाभी जी, थैंक यू दोस्तों।